हवाई अड्डा बन गया। 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। इतना बड़ा झूठ जनता के बीच परोसा, जबकि सच्चाई है पूर्णिया में अभी हवाई अड्डा के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला ही चल रहा है। जरा आप ही बता देना बिहार के लोगों को कि पूर्णिया का हवाई अड्डा कब बना। बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरे काफी चर्चा में है। दरअसल पूर्णिया में जनता के संबोधन के दौरान अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर वहां मौजूद जनता भी सोच में पड़ गई। दरअसल अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान पूर्णिया में हवाई जहाज तक उड़ा दिया, जबकि असल में अभी तक पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण भी नहीं हुआ है। अमित शाह का ये बयान आप खुद सुनिए। मैं सीमांत क्षेत्र की बात करता हूँ, ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। अमित शाह का भाषण सुनकर वहाँ मौजूद जनता कुछ देर के लिए तो सोच में पड़ गई कि आखिर अमित शाह बोल क्या रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया में अभी हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम ही चल रहा है, जबकि शाह वहां से हवाई जहाज तक उड़ा दिए। अमित शाह का ये बयान भी उसी तरह से जुमला साबित हुआ जैसे उन्होंने इससे पहले 12वीं के बाद इंटर करने की बात कही थी। भाषण के दौरान अमित शाह की जैसी ही जुबान फिसली, जेडीयू के नेताओं ने उनके बयान को लपक लिया और बीजेपी के नेताओं को जुमलेबाजों की पार्टी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, सुनिए। इतना बड़ा झूठ जनता के बीच परोसा कि लोग जानकर भी स्तब्ध रह जाएंगे। पूर्णिया में जहां अमित शाह जी ने कहा और यह कहते हुए लोगों से अपील की कि ताली बजाइए, उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया है, लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि सच्चाई है पूर्णिया में अभी हवाई अड्डा के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला ही चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कल अलग अलग जगह पे भाषण देकर के झूठ बोल करके यह साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है। खुद ही इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट से इस बात को प्रमाणित किया है। अमित शाह के बयानों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने तंज कसते हुए अमित शाह से अपील की। उन्होंने कहा कि कम से कम अब तो बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपने कल पूर्णिया की रैली में कहा पूर्णिया हवाई अड्डा बन गया है। अरे भाई तालियां बजाओ, तालियां बटोरना चाहते थे, तालियों की मांग कर रहे थे, लेकिन पूर्णिया के लोग तो जानते थे कि हवाई अड्डा का नींव भी नहीं पड़ा है। जरा आप ही बता देना बिहार के लोगों को कि पूर्णिया का हवाई अड्डा कब बना, अभी नींव भी नहीं पड़ा है। बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। जिस देश का गृह मंत्री जुमलेबाज हो, उस देश के भविष्य का क्या होगा? एकमात्र विकल्प है भाजपा मुक्त भारत। गृह मंत्री अमित शाह के एयरपोर्ट वाले बयान ने मोदी सरकार की जमकर किरकिरी कर डाली है। जेडीयू नेताओं के साथ साथ अब लोग भी अमित शाह के बयान पर खूब चुटकी ले रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।